आइए अब चैप्टर 14 का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 14.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इनकी व्याख्या कीजिए। आइए पहले इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में पहला कॉलम वर्ग अंतराल, जो कि एक क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका इंटरवल एच इज इक्वल टू 25 - 10 = 15 है। सेकेंड कॉलम FI है। थर्ड कॉलम वर्ग चिन्ह है, यानी कि माध्य निकालने के लिए हम वर्ग चिन्ह निकाल देते। थर्ड कॉलम XI यानी वर्ग चिन्ह है। फोर्थ कॉलम XI के साथ FI का प्रोडक्ट है। नीचे समेशन ऑफ FI दी हुई है 30, और यहाँ नीचे समेशन ऑफ FI XI 1860 दी हुई है, यानी FI XI के हर टर्म का सम 1860 है। बहुलक या मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि FI की वैल्यू किस इंटरवल में सबसे ज्यादा बढ़ी है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा FI की वैल्यू 7 है और इसका संगत वर्ग अंतराल 40 to 55 है, यानी ये 7 हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी इसको F1 मानेंगे। हमारी मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, इसको हम F0 या F0 कहेंगे, और हमारी मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 है, इसको हम F2 कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगभग सारी वैल्यू मिल चुकी है। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो डेटा हमने पहले निकाला इसको नोट कर लें। H = 15, F0 = 3, F1 = 7, F2 = 6, मॉडल क्लास = 40 to 55, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास = L = 40। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम L मान लेते हैं और इसकी वैल्यू होगी 40। अब देख सकते हैं 40 to 55 मॉडल क्लास है हमारा, इसकी लोअर लिमिट 40 है। अब हम जानते हैं कि मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mod = L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F1 × H। L की वैल्यू 40 है, 40 प्लस F1 की वैल्यू हमने 7 निकाली है। F0 यानी F1 से ठीक ऊपर वाली बारंबारता, यानी कि F1 से ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी 3, ये हमारा F0 है, अपॉन 2 × 7 - 3 माइनस F1 हमने 6 निकाल लिया, ब्रैकेट बंद, H 15 है, = 40 + 4.5 × 15 = 52। अतः हमारा बहुलक 52 है, hence mode is। अब हम इसका मीन निकालेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि इसके बहुलक और इसकी माध्य की तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए पहले तो हमें माध्य निकालना पड़ेगा। मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ XI FI और समेशन ऑफ FI दोनों क्वेश्चन गिवेन है। समेशन ऑफ XI FI 1860 है, समेशन ऑफ FI 30 है, इक्वल टू 1860/30। अतः हमारा मीन 62 है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद हमने मोड 52 निकाला है और मीन 62 निकाला है। अतः अधिकतम स्टूडेंटों ने 52 अंक प्राप्त किए हैं और स्टूडेंट के टोटल अंकों का औसत स्टूडेंट के अंकों का औसत 62 है। द मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्टेंड 52 मार्क्स व्हाइल ऑन एन एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट ऑब्टेंड 62 मार्क्स।